इंसान को सीधी गोली मारे, पानी मार के देख लिया, आंसू गैस के गोले छोड़ के देख लिए, बैरिकेड बड़े बड़े लगा लिए ना, ट्रक फंसा दिए रेता बजरी के, सब हटा दिए। किसान तो सब कुछ पैदा करने वाला, उसके आगे क्या डेगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरपाल सिंह है, प्रदेश सेंट्रल सचिव भारतीय किसान यूनियन। की मोदी मान जाए, अभी भी समय है, नहीं तो क्या है, किसानों का खून देखना चाह रहा है बस, तो वो कसर रह रही किसानों का खून देखना, देख ले वो भी सब तैयार है, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली खाएंगे। नमस्कार, किसानों का कहना है कि वह हर हाल में दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, चाहे सरकार उनके रास्ते में कितने ही बैरिकेटर क्यों न लगा ले, हर बार बैरिकेटर तोड़ते रहेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में किसानों का कहना है कि मोदी अब मान जाए, अभी भी समय है, अगर मोदी किसानों का खून देखना चाहता है तो सभी किसान छाती पर गोली खाने के लिए तैयार है, परंतु पीठ पर नहीं। इसी बारे में जानिए आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, कोई भी चाल अपना ले अब मोदी सरकार, और अब चाहिए सरकार को, क्योंकि अब देख चुके हैं, पहले तो बोलते थे जब छोटे आंदोलन किए कांग्रेस वाले हैं, क्या ये कांग्रेस वाले दिखाई दे रहे हैं, दिखा दो कोई एक झंडा, एक बैनर भी, कोई किसी भी पार्टी का हो, कहीं आम पार्टी के बोलते हैं, कहीं कांग्रेस के, ये प्योर किसान है, हो सकता है वो सभी पार्टियों में है किसान, लेकिन ये सारे किसान जो दुखी हैं, वो किसान आज रोड पे है, लाखों किसान पंजाब से निकल चुका है, हमारे लाखों किसान इस रोड पे, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे अभी आप लोगों के बीच में बस जस्ट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आप सभी भी सरकार को आप सद्बुद्धि दे, परमात्मा वाहिगुरु जी सद्बुद्धि दे कि ये मोदी मान जाए, अभी भी समय है, नहीं तो क्या है, किसानों का खून देखना चाह रहा है बस, तो वो कसर रह रही किसानों का खून देखना, देख ले वो भी सब तैयार है, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली खाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्यों, वो तो लॉकडाउन करवाने के चक्कर में है, स्वागत कहाँ करेगा केजरीवाल, करे स्वागत, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं किसानों का स्वागत। देखिए जी, परेशानियां तो जब से मोड़े से चले तब से परेशानियां ही परेशानियां, रोक रहे हैं, पानी की बुछारे मार रहे हैं, बैरिकेड बड़े बड़े लगा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, और इससे ज्यादा परेशानी एक रह रही भाई। मैं भी गोली मार रहा हूँ, और यही तैयारी जो करनाल में कर रखी थी ना, वही तैयारी जो है इन्होंने, गोली मारने की एक रह रही है, गोली मार क्या मर्जी कर लो, अब किसान कहीं रुकने वाला, मंत्री के करे क्या मर्जी कर लो, किसान कहीं रुकने वाला, जहाँ से सीएम है जो करे क्षेत्र है वहाँ की बैरिकेडिंग टूट सकती है, संभालका की भी टूटेगी। भाई साहब, लाखों की संख्या में किसान है अभी रोड पे, अभी आप लोगों के बीच में पहुँचने वाले हैं, अंग्रेजों से भी ज्यादा जाती कर रहे हैं, कल से चले हुए थे, इन्होंने बैरिकेड लगाए थे, बैरिकेड तोड़ दिए किसानों ने, इतनी गंदी घटिया सरकार है, आज मारा भाईचारा सड़कों पे खड़ा कर दिया, गड्डी वालों को जबरदस्ती उनकी गड्डियों का सड़क के बीच में लगवा दिया, कैंटर रेते के बजरी के पत्थर के भरे हुए कैंटर सड़कों पर लगवा दिया प्रेशर डाउन करके, पर किसानों ने वो सूखना लेक पे करण झील पे उन गड्डियों को भी पीछे हटा के सारा काफिला 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा, और अब अगले वाला देखेंगे कैसा है, जैसे पिछले वाले तोड़ते रहे ऐसे ही अगले तोड़ते आएंगे।